नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए, आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं आपकी सेवा में, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। इससे जो छोटे छोटे टॉपिक बन सकते हैं उसको हम बताएंगे, इसकी COP आपको बताएंगे ताकि आप उसको याद कर लें और आप क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर लें। फिर इसकी डिटेल RAC एक बार हम फिर से पढ़ेंगे जब हम 23 तारीख के बाद लाइव सेशन में आएंगे। सब कुछ बताया जाएगा, कैसे COP आ रही है, कैसे कैलकुलेट होकर आ रही है, क्या आप डायरेक्ट तो नहीं लिख दे रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जितनी भी हमने चीज़ें देखी वो किसी किसी साइकिल पे काम करती हैं। तो जो हमारा ये गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये हमारा किस पे काम करता है? ये काम करता है रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे। किस पे? रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे, ब्रेटन साइकिल पे। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल साइकिल। क्या बोलते हैं? जूल साइकिल। रिवर्स ब्रेटन साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक और नाम होता है इसका, बेल कोलमैन साइकिल। क्या होता है? बेल कोलमैन साइकिल। ठीक है, अब बात करें अगर बेल कोलमैन साइकिल की, तो बेल कोलमैन साइकिल में भी कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा। तो हम बात कर लेते हैं बेल कोलमैन साइकिल्स में, साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। जो बेल कोलमैन साइकिल है, जैसे हमने VCRS साइकिल में देखा था दो आइसोबारिक, दो आइसेंट्रॉपिक था, उसी तरह बेल कोलमैन में क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी याद आपको रखना है कि इसमें भी दो आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे बात होगी और दो आइसेंट्रॉपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रॉपी बात होगी। आइसोबारिक पे क्या होता है आपको अभी हमने पिछली क्लास में याद कराया था, कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग या तो हीट ऐड करते हैं या तो हीट रिजेक्ट करते हैं। ये हमेशा के लिए आप याद रख लीजिए, जहाँ हीट एडेड या हीट रिजेक्शन की बात करें आपको कांस्टेंट प्रेशर लगा के चले आना है विदाउट कुछ सोचे हुए, और जहाँ भी आपको एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन की बात करें वहाँ आपको आइसेंट्रॉपिक लगा के चले आना है बिना कुछ सोचे। एक्सपेंशन और कंप्रेशन, अभी लिखिए मत, हम आपको देख रहे हैं, लिखिए मत, पहले समझिए चीज़ों को। समझ लेंगे एक बार तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे पहले कहा कि हम आपकी आत्मा में समाए हुए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो हमने पहले क्या देख लिया, हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे वर्क करता है? रिवर्स ब्रेटन साइकिल, या इसी को जूल साइकिल बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेटन को क्या बोलते हैं? बेल कोलमैन साइकिल। अब बेल कोलमैन साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? दो आइसोबारिक प्रोसेस होती है, एक पे हाइट रिडक्शन होता है, एक पे हीट रिएक्शन होता है, और दो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होती हैं, एक पे एक्सपेंशन होता है और एक पे कंप्रेशन। उसके बाद गैस, गैस के रूप में हम यहाँ किसका यूज करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि गैस के रूप में हम इस यहाँ पर किसका यूज करते हैं? तो गैस के रूप में दोस्तों हम यहाँ यूज करते हैं किसका? एयर का। किसका यूज करते हैं? एयर। एयर यूज होती है वर्किंग सब्सटेंस के रूप में गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो एयर एज वर्किंग सब्सटेंस, तो एयर हमारी वर्किंग सब्सटेंस के रूप में यूज होती है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। उसके बाद सोच रहे होंगे यार एयर से यूज किया जा रहा है, तो आपको अभी हम जब बताएंगे कि ये कहाँ पर यूज होता है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर एयर की ही आवश्यकता है। ठीक, दूसरी चीज लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। एक टन में कितने यूनिट होते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया था ना, तो आपको याद रखना है वो चीज़ जो हमने आपको बताया था, 3.51। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये यूज़ कहाँ होती है? दो जगह। अभी हमने एक जगह बीच में पीछे चर्चा की थी, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा यूज़ होता है गैसेस के लिक्विफिकेशन में,
लिक्विफिकेशन में और एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन में। कहाँ यूज होता है? एयर क्राफ्ट एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है, तो गैस रेफ्रिजरेंट सिस्टम की हमने बात की, इसमें एयर वर्किंग सब्सटेंस के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें अगर हम कोई गैस भरेंगे तो उनका जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। और क्यों यूज किया जाता है? ताकि लो वेट रख सकें हम, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ज़्यादा करें हम और वेट क्या रख सकें? लो वेट रख सकें। और गैसों के लिक्विफिकेशन में भी इस साइकिल का यूज किया जाता है, इस सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसकी COP आप याद कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अगर हम आपको सॉल्व कराने बैठे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। होता क्या है COP? COP इक्वल टू होता है 1/RP की पावर γ-1/γ-1। अब यहाँ पर RP क्या है इसके बारे में आपको दोस्तों बता देते हैं। RP हमारा दोस्तों होता है प्रेशर रेशियो। RP हमारा क्या होता है? प्रेशर रेशियो। और गामा हमारा क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स। इनकी डिटेल चर्चा हम लोग कर रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स तो कुछ इस प्रकार से पढ़ाएंगे आपको कि आप नहाते वक्त भी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो टर्म हैं उनको आपको समझा देते हैं, उसके बाद RAC का लास्ट टॉपिक जो बचेगा हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट, उसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आपसे कुछ हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आएंगी। हो सकता है RAC में ना आए, लेकिन हो सकता है फिजिक्स में आ जाए वो, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस इस बार बहुत ब्रॉड रखा गया है। तो पहले कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कई लॉज देखे हैं। पहला लॉ हम बात कर लेते हैं, जैसे जूल्स लॉ हमारा क्या होता है? तो जूल्स लॉ क्या होता है? जूल साहब कहते हैं कि जो हमारी हीट है और जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, जैसे हम हीट से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से हीट प्राप्त करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें जो है ना, एक दूसरे को आपस में बदला जा सकता है। मतलब हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में बदल सकते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी किसके फॉर्म में बदल सकते हैं? हीट के फॉर्म में बदल सकते हैं। मतलब अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी एनर्जीज आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। सॉरी, मतलब जो हमारी टोटल एनर्जी होती है इसको हम टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में मिलेगा आपको एग्जाम में कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DT किसके अकॉर्डिंग होता है, तो आप क्या लगा के आएंगे दोस्तों? जूल साहब के अकॉर्डिंग होता है, जूल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले लॉ की बात कर लेते हैं, वो क्या है? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आपका दोस्तों फिजिक्स में भी आ सकता है, तो आप याद रखिएगा। कुछ एडिशनल चीज़ें हमेशा लेकर जानी चाहिए, हमेशा कुछ एडिशनल चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। कैल्विन प्लैंक का लॉ क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कैल्विन प्लैंक साहब ने ये कहा कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप PMM सेकंड बन जाएंगे। PMM के बारे में मैंने बताया था, परपेचुअल मोशन मशीन। ये कहते हैं कि कन्वर्जन होता है हमारा किसका? हीट का वर्क में। ये इन्होंने कहा कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, और इन्हीं के अकॉर्डिंग PMM सेकंड पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरे जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। उनका नाम था क्लासियस स्टेटमेंट। हमारा क्या कहता है क्लासियस स्टेटमेंट? कहता है, हमने क्लासियस स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था कि लोअर हीट हमारी जो है लोअर बॉडी से हायर बॉडी की ओर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जब तक कि हम कोई ना कोई बाहर से सोर्स ऐड ना करें। मतलब कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर बॉडी टू अ हायर बॉडी विदाउट एडिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स। मतलब बिना किसी बाहरी फोर्स के हम लोअर बॉडी से हीट को हायर बॉडी में नहीं भेज सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को कहिए तो लिख देते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, इट इज
इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर विदाउट एडिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कि ना बिना किसी बाहरी सोर्स से हम लोअर टेम्परेचर के हीट को हायर टेम्परेचर में भेज नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एक टॉपिक है डेंसिटी वाला टॉपिक है, तो उसमें बर्नौली की भी बात हुई है। तो बर्नौली इक्वेशन हमारी किस पे काम करती है, इसको भी आप यहीं याद रख लीजिए, मुझे याद आ गया एक बर्नौली इक्वेशन। पूछता है कि बर्नौली इक्वेशन किस सिद्धांत पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो बर्नौली इक्वेशन हमारी काम करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पे काम करती है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करती है। अभी हमने पढ़ा एयर रेफ्रिजरेशन हमारा किस पे काम करता है, बेल कोलमैन पे। अभी हमने पढ़ा ना एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, तो एयर रेफ्रिजरेशन हमारा किस पे काम करता है, अभी हमने वहाँ देखा था बेल कोलमैन साइकिल पे काम करता है। तो एयर रेफ्रिजरेशन हमारा किस पे काम करता है, बेल कोलमैन पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों मुझे लगता है आपको। अब हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे साइक्रोमेट्री और आपकी RAC कंप्लीट कर दूंगा, जैसा कि हमारा प्रॉमिस था 5-6 तारीख तक कंप्लीट करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।